नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कौन से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उनको किस हद तक मजबूत बनाया गया है, ये आप सभी अभी तक या तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में देखते आ रहे होंगे या फिर रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में। ग्लोबल एनकैप में होता क्या है कि गाड़ियों में दो अडल्ट और दो चाइल्ड डमीज को बैठा कर 64 किलोमीटर/घंटे की स्पीड में लड़ाया जाता है। अब लड़ने के बाद गाड़ी और पैसेंजर्स यानी डमीज में कितना नुकसान आता है, उस हिसाब से इनको 0, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग्स तक दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ गाड़ी और पैसेंजर्स का नुकसान रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में भी देखा जाता है। लेकिन भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब को नहीं मानते, वो सिर्फ खुद के द्वारा किए गए टेस्ट पर भरोसा रखते हैं। और ऐसा ही कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरे कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे मिस्टर मोहित जी की एक रील शेयर की है, जिसमें वो अपने तरीके से मारुति सुजुकी डिजायर के बिल्ड क्वालिटी का टेस्टिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोहित भैया जो है चढ़ाकर पहला लात गाड़ी के फेंडर पर मारते हैं और दूसरा लात बोनट पर मारते हैं। जबरदस्त लात के बाद फेंडर का दम तो वहीं निकल जाता है, हालांकि बोनट में कम नुकसान आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोनट को साइड से इंपैक्ट पड़ता है, अगर यही लात इसको सामने से पड़ती तो। खैर, इनको ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 स्टार रेटिंग्स मिले हुए हैं, उसको 0 में क्यों कन्वर्ट करना। इसके अलावा किसी भी गाड़ी का ऐसे टेस्ट मत करें, फिर चाहे वो 0 स्टार वाली हो, 2 स्टार वाली हो या फिर 5 स्टार वाली, क्योंकि 0 और 2 स्टार वाले में गाड़ी टूटेगी और 5 स्टार वाले में आपकी टांग, तो दोनों में नुकसान आपका ही है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।